दोस्तों आज मैं मेरे रिव्यू के वीडियो में एक मॉनिटर का रिव्यू लेके आया हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं ये छोटा सा मॉनिटर है। ये 15.6 इंच का है मॉनिटर। तो ये मॉनिटर AOC कंपनी के तरफ से है। देख सकते हैं ये AOC के ब्रांड के तरफ से है। इसका मॉडल नंबर अगर हम बताएं तो ये है E1670SW। इस मॉनिटर का खासियत यह है कि ये डायरेक्ट पावर नहीं यूज करता है। आप इसको USB के द्वारा चला सकते हैं। तो इसके द्वारा इसका पावर का यूजेस तो बहुत ही कम होगा। तो ये आप अपने लैपटॉप के सेकेंडरी स्क्रीन का तरह भी यूज कर सकते हैं। इसको तो मैं अपने डेस्कटॉप के स्क्रीन के तरह यूज करता हूँ या फिर मॉनिटर के तरह यूज करता हूँ। तो देखते हैं इसमें क्या क्या आपको इसके बॉक्स में मिलता है। अगर मैं इसका बॉक्स के बात करूं तो ऐसा ही कुछ मॉनिटर का बॉक्स मिलता है। तो ये देख सकते हैं इसमें जो फीचर है, देख सकते हैं यहाँ पर ये LED का मॉनिटर है। स्लिम भी है, देख सकते हैं आप यहाँ पर ये बहुत ही स्लिम है। बहुत ही इतना सा ही है आपका हाथ का इतना हिस्सा ही है। और इसका DCR रेशियो भी 20,000:1 है। नैरो बॉर्डर है, मतलब स्क्रीन में आपको बजल्स या फिर बॉर्डर्स नहीं मिलते हैं, बहुत ही कम मिलता है। हेयर लाइन स्ट्रक्चर, मतलब अच्छा स्ट्रक्चर आता है, मतलब बहुत ही डिटेलिंग है। लो पावर कंजप्शन करता है और इसको आप स्प्लिट करके चार स्क्रीन के तरह भी यूज कर सकते हैं। और ये विंडोज 8 में भी कम्फर्टेबल है। तो बॉक्स के अंदर देखते हैं क्या मिलता है आपको। आपको बॉक्स के अंदर एक ये मिलता है केबल, ताकि जिसको आप अपने VGA के पोर्ट में कनेक्ट कर सके और इस मॉनिटर को यूज कर सके। और उसके अंदर चलते हैं, इसको साइड में रखता हूँ। तो अंदर चलते हैं तो मुझे शायद एक CD मिलता है। जी हाँ, आपको एक CD मिलता है। ये CD मैंने यूज़ करके देखा है। ये CD सिर्फ यूजर गाइडेंस है, कुछ ड्राइवर फाइवर नहीं मिलता है इसमें, सिर्फ एक यूजर गाइडेंस है। और ये CD में यूजर गाइडेंस दिया गया है, इसलिए आपको कुछ रिटर्न पेपर्स नहीं मिलते हैं। रिटर्न पेपर्स के द्वारा सिर्फ एक मिलता है। ये कुछ मैनुअल नहीं है, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन दिया गया है कंपनी का। तो इसे साइड में रखते हैं बॉक्स को भी। अब मॉनिटर की बात करते हैं, मॉनिटर का बात करते हैं। तो मॉनिटर इस तरह है। इसका मैं USB वाला केबल जो है उसको लगा दिया हूँ। ये आपको बॉक्स में भी मिलता है, आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर लगा दिया हूँ। आपको दो ठो केबल दिखाई देगा, एक तो है मॉनिटर का केबल और दूसरा है जो USB का केबल जो इसमें लगा हुआ है। इसका जो पहला एंड है ये थोड़ा दिखा देता हूँ, ये कुछ इस तरह का मिलता है। ये आपके मॉनिटर में लगता है, ये आपका मॉनिटर में लगता है। तो ये ऐसा केबल मॉनिटर में लगता है। और दूसरा एंड इसका देखते हैं क्या है। अगर मैं दूसरा एंड का बात करता हूँ तो देख सकते हैं ये दो USB है। ये दो USB है। तो मैं एक ही टाइम में दो कंप्यूटर या फिर दो स्क्रीन, जो ये जो स्प्लिट ऑप्शन है इसके लिए यूज कर सकते हैं, या फिर एक्सटर्नल कुछ पावर देने के लिए कुछ ऐसे कुछ है, फिलहाल तो मुझे इतना पता नहीं। तो इसे मैं लगा देता हूँ। दोस्तों मैंने मॉनिटर को पूरा कंप्लीट सेटअप कर चुका हूँ। तो चलते हैं इसको ऑन करते हैं। इसको ऑन करने के लिए कुछ पावर का बटन नहीं यूज होता है, CPU मैंने ऑन किया है और मैंने मेरा CPU को ऑन किया। चल जा भाई, देखते हैं। जी हाँ, ये चल पड़ा है। देख सकते हैं इसमें क्लैरिटी कैसे मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मॉनिटर चल रहा है। और आपके लिए ऑन ऑफ के लिए कुछ नहीं है। तो ये एक बॉटम दिया जाता है जहाँ पर जाके आप सेटिंग कर सकते हैं इसको, अपने मॉनिटर का अगर स्क्रीन ठीक से नहीं आ रहा है, ब्राइटनेस यहाँ पर सेटिंग कर सकते हैं और यहाँ पर लोकेशन भी सेटिंग कर सकते हैं। तो ये ऐसा ही है, सिर्फ एक ही बटन मिलता है यहाँ पर। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो ग्रीन कलर लाइट चलता है,
यहाँ पर सिर्फ एक ही बटन में। और यहाँ पर इंस्ट्रक्शन में दिया गया है कि आप इसको अगर साफ करते हैं सिर्फ साफ पानी में साफ कीजिए और कुछ लिक्विड या फिर कुछ केमिकल्स मत यूज कीजिए। तो मैं बोलूँगा तो ये अच्छा एक मॉनिटर है, ये बहुत ही सस्ता भी है, ये 3700 के आसपास आ जाता है। मैंने इसको स्नैपडील से लिया था। ये पिक्चर क्लैरिटी भी जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा है पिक्चर क्लैरिटी। तो मैं बोलूँगा कि अगर आपका बजट थोड़ा कम है और आप पावर भी बहुत सेव करना चाहते हैं तो ये वाला मॉनिटर ज़रूर ले लीजिए। तो मैं बस इतना ही मैं बोलना चाहता हूँ। थैंक यू।